अंजना ओम कश्यप वक्त शंखनाथ का है। अग्निपथ पर संग्राम आज भी जारी है। एक बार फिर देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। कहीं आगजनी हुई, कहीं पथराव हुआ। सरकार की स्कीम पर युवाओं का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। सबसे बुरा हाल बिहार का है, जिसकी तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, जहां चार दिन से उग्र प्रदर्शन जारी है। इस बीच बीजेपी के कई नेताओं को निशाना बनाया गया, जिसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि अब बिहार में बीजेपी नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चाहे वो रेणु देवी हो, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, या फिर संजय जायसवाल प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष। बिहार में 12 बीजेपी नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है। बिहार में हिंसा को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। 12 बीजेपी नेताओं को मिलेगी वाई श्रेणी की सुरक्षा, वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलेगी, जिसमें रेणु देवी डेप्यूटी सीएम और संजय जायसवाल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का नाम शामिल है। कुल 12 ऐसे बीजेपी नेता होंगे जिन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जा रही है। बिहार में एक रस्साकशी देखी गई, जिसमें गठबंधन दल बीजेपी और जेडीयू एनडीए की सरकार इस वक्त चल रही है बिहार में, और आपस में ही बयानबाजी हो गई, क्योंकि संजय जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने सीधा कहा कि प्रशासन की मिलीभगत से उनकी सुरक्षा में ऐसी चूक हुई है। वहीं दूसरी तरफ ललन सिंह, जो कि जेडीयू नेता है, उन्होंने कह दिया, ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब बीजेपी दफ्तर पर हमला बोला छात्रों ने, पुलिस प्रशासन इसे रोकने में नाकाम रही। इसी मुद्दे पर सवाल खड़े किए संजय जायसवाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने, जिस पर ललन सिंह ने यह कह दिया कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन ही खो दिया है। बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर जमकर तोड़फोड़ किया गया। आज बिहार एक बार फिर हिंसा की आग में झुलसा। पटना के मसौढ़ी में आज जमकर हंगामा हुआ। उपद्रवियों ने तो रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया, जमकर तोड़फोड़ की। देखिए हमारी संवाददाता मौसमी सिंह की है ग्राउंड रिपोर्ट। आखिर कहां से आई उपद्रवियों की ये भीड़, कहां से आए पत्थरबाज? एक हाथ में डंडे, दूसरे हाथ से पत्थरबाजी, सब कुछ जला देने का इरादा। तस्वीरें पटना के मसौढ़ी की हैं, जहां उपद्रवियों ने जमकर हंगामा किया। आज तक संवाददाता मौसमी सिंह ने हिंसा की एक एक तस्वीर कैमरे में कैद की। मीडिया भाई, पहली तस्वीर दिखा रहा है तारेगाना रेलवे स्टेशन की, जिसको आग की लपटों में झोंक दिया। वहाँ पे पीछे आप देखिए किस तरह से आग ज्यादा बढ़ गई है। और यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है भैया? देखिए वो सामने आगे लगा दी है, आगे आगे उपद्रवी देखिए आप, वो सामने आपको देखिए आगे आग लगा दी है। और ये दमकल की गाड़ियाँ, संजय पीछे जाओ संजय, ये लोग भाग रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये उपद्रवी भाग के आ रहे हैं गाड़ी की तरफ, और ये यहाँ पे बहुत देर तक रहना सेफ नहीं होगा, इसलिए हम लोग भी निकलेंगे। पर आज तक संजय तस्वीर दिखाओ, प्रशासन के आने के बाद भी अभी सड़क पे किस तरह से तमाम लड़के पूरी रेलवे लाइन पर है, और ये तस्वीर किस तरह से दमकल की गाड़ियां यहाँ से भाग रही है, ये तस्वीर हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। करीब 2000 की संख्या में उपद्रवी रेलवे स्टेशन पर थे, हाथों में पत्थर और डंडे थे। इरादा सब कुछ फूंक देने का था, सब कुछ तबाह कर देने का था। पीछे काफी युवा हैं, जिनके हाथों में हथियार भी नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ पे खड़ा हुआ है, उनके हाथ में पत्थर भी है, और वो इसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ बाहर एसएसपी की गाड़ी खड़ी है, प्रशासन की गाड़ी खड़ी है, और अंदर यहाँ पे किस तरह से दमकल की गाड़ियां भागी है, क्योंकि वहाँ आग बुझाने की कोशिश हो रही है। और यहाँ पे उपद्रवी महज ज्यादा दूर नहीं है, 200 मीटर की दूरी पर उस तरफ खड़े हुए हैं और लाठी डंडा दिखा रहे हैं। देखिए इसमें ज्यादातर आपको लोग युवा नजर आएंगे। बिहार के मसौढ़ी में सुबह से दुकानें बंद थी। मसौढ़ी में सुबह 8 बजे कोचिंग से छुट्टी के बाद छात्र स्टेशन पर जुटने लगे। देखते ही देखते तस्वीरें हिंसा में तब्दील हो गई। हमारे पीछे आप देख रहे हैं, हम लोग तारेगना पहुंचे, जो कि पटना से लगभग 1 घंटे की दूरी पे है, और यहाँ पे
देखिए किस तरह से इस रेलवे स्टेशन को आग लगाई गई है, वहाँ पे आपको युवा भी नजर आ जाएंगे। और अभी एक मोटरसाइकिल सामने दो दो करके जल रही है, पीछे पीछे आता भी आग लगाई गई है। और यहाँ पे युवा काफी सारे खड़े हुए हैं, जाहिर है लगातार आज जिस तरह से पटना में बंद किया गया है। युवकों ने जीआरपी को बंधक बना लिया, स्टेशन मास्टर के केबिन और बुकिंग काउंटर को फूंक दिया, गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारी युवकों ने जीआरपी कार्यालय के पास सरकारी गाड़ी जला दी। ये तस्वीर देखिए, जिस तरह का बिहार बंद हुआ है और जो हिंसा हुई है उसका सबूत ग्राउंड जीरो पर तारेगना रेलवे स्टेशन का जो जीआरपी थाना है उसकी ये तस्वीर है। ये जिप्सी किस बुरी तरह से जली हुई है, पुलिस की ये गाड़ी है, लगभग 3 से 4 गाड़ियां यहाँ पे जला दी गई हैं। जमीन पे नजर दौड़ाइए, यहाँ पे पूरे पत्थर ही पत्थर आपको सब जगह नजर आ जाएंगे और सब गमले से लेके जो तोड़फोड़ हुई है उसका ये सबूत आपको जीआरपी थाने के बाहर यहाँ पे लगातार 4 घंटे तक आपने सामने की स्थिति बरकरार रही है। भैया खूब पथराव हुआ है, पत्थर इतना चला है, कम से कम 2000 आदमी से ऊपर था। प्रदर्शनकारियों की ओर से पुलिस पर 10 से 15 राउंड फायर किए गए, बचाव में पुलिस ने कई राउंड गोलियां चलाई। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर उठा के पूरा जैसे लग रहा है रेलवे ट्रैक के सारे पत्थर यहाँ आ गए हो, जहाँ तक नजर दौड़ा लीजिए आप, ये पत्थरों की बरसात इस पूरी बिल्डिंग में हुई है। जीआरपी थाने के निशान देखिए, बिल्कुल बूंदी बूंदी पूरे निशान से ये बिल्डिंग पूरी पुत गई है एक तरीके से। किस तरह से पत्थरों की बरसात, शीशे सारे टूटे हुए। यहाँ फिर क्या हुआ, कितने बजे ये शुरू हुआ सारा? 8:30 के लगभग मूवमेंट शुरू हो गया। उसके बाद पुलिस के द्वारा लगातार कोशिश किया जा रहा था माहौल को शांत करने का, मगर उग्र बच्चे नहीं मान रहे थे। हवाई फायरिंग भी पुलिस के द्वारा की गई, लेकिन उसके तरफ से भी लगातार फायरिंग की जा रही थी। पत्थर लगा है हमको भी हाथ में। अब यहाँ पर हमारे वरीय पदाधिकारी थे, एएसपी मसौढ़ी और इंस्पेक्टर मसौढ़ी हमारे साथ में थे, लेकिन किसी का कोई बस नहीं चला, केवल हम लोग अपने से सुरक्षित बचाए हैं। ये अंदर भी घुस आए थे? अंदर नहीं घुस पाए थे, लेकिन बाहर से आग लगाने का कोशिश किया गया उनके द्वारा। मसौढ़ी में पुलिस प्रशासन ने कई लोगों को हिरासत में लिया है, वहीं उपद्रवियों की धरपकड़ का दौर जारी है। जिन पर शक है उनको हिरासत में ले रही है, जीपीएस के जरिए मोबाइल टावर के जरिए ट्रैकिंग हो रही है कि किस तरह से जहां जहां मोबाइल टावर्स एक्टिव थे वहां से पूरा ये निकाला जा रही है जानकारी कि कौन कौन लोग इस तरह से इस पूरे मामले में शामिल थे। और अब देखिए युवाओं की उम्र अगर आप देखें तो 16, 17, 18 साल के युवा हमने देखे, आगे एक युवा लेके जा रहे हैं जिनकी उम्र आप अंदाजा लगा लीजिए 14, 15 साल से ज्यादा नहीं होगी। 1, 2, 3, 4, 5 युवाओं को कुछ इस तरह से हिरासत में पुलिस लेके जा रही है। इधर आप देखिए पुलिस के आला अधिकारियों की गाड़ियां आपको नजर आ जाएंगी, इधर कुछ यूं पेट्रोलिंग हो रही है, सारी दुकानें बंद है। ये हिंसा अपने साथ कई सवाल खड़े कर रही है, आखिर 4 दिन से हिंसा की आग के बावजूद प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? प्रशासन पहले से क्यों अलर्ट पर नहीं था? आखिर इतनी भीड़ कहां से आई, कहां से हथियार आए? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कब तक हिंसा की आग में झुलसेंगे शहर? मौसमी सिंह, मसौढ़ी, आज तक। पटना डीएम के मुताबिक मसौढ़ी के 2 कोचिंग संस्थानों से लोगों को भड़काया गया, जिनके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने 2 चारपहिया और 6 दोपहिया वाहनों में आग लगा दी है। बिहार में हिंसा को लेकर प्रशासन एक्शन में अब आया है। पटना में अब तक 61 गिरफ्तारियां हुई हैं, वहीं छापेमारी अभियान भी चल रहा है, लेकिन इस बीच आक्रोश की तस्वीरें बिहार में थमने का नाम नहीं ले रही। चार दिन से बिहार जल रहा है,
ट्रेन जलाई जा रही है। सड़कों पर हंगामा हो रहा है। आखिर कब थमेगी ये हिंसा की आग? आखिर और कितना होगा बिहार को नुकसान? अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन का दौर जारी है। आज बिहार बंद का ऐलान था, जिसका व्यापक असर देखने को मिला, लेकिन इस बंद में भी हिंसा की तस्वीरें बिहार के अलग अलग हिस्सों से आती रही। जहानाबाद के टेहटा बाजार में प्रदर्शनकारियों ने एक ट्रक को निशाना बनाया, पत्थरबाजी की और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। मुंगेर से लेकर आरा तक, दरभंगा से लेकर पटना तक बिहार में अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। इस वक्त हम मौजूद हैं आरा शहर के बीचों बीच बस स्टैंड पर। आप यहां पर देख सकते हैं कि सीपीआई माले के जो कार्यकर्ता हैं, उनके विधायक हैं मनोज मंजिल, उनके नेतृत्व में यहां पर पिछले कई घंटों से जो है सड़क को जाम करके रखा गया है, जिससे कि दोनों तरफ का यातायात जो है वो पूरी तरीके से ठप हो गया है। और कई किलोमीटर देख सकते हैं आप लंबा जो है वो जाम भी जो है वो लगा हुआ है। बिहार में हो रहे हिंसक प्रदर्शन में सबसे ज्यादा निशाने पर रेलवे रहा है। कई ट्रेनों को आग लगाई गई, जिसके बाद रेलवे की ओर से ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया गया, जिसने आम नागरिकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अग्निपथ स्कीम के विरोध में जो रेलवे को निशाना बनाया गया, तो रेलवे को तो नुकसान हुआ ही, लेकिन साथ ही रेल में सफर करने वाले जो यात्री हैं वो बहुत ही ज्यादा परेशान हुए। जो ट्रेन में है वो अभी तक अपने जगह पर तक नहीं पहुंच पाए हैं, और जो ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं पिछले 48 घंटों से लोग पटना जंक्शन पर जमे हुए हैं और यहाँ पर ट्रेन आने का इंतजार कर रहे हैं। सुबह से अच्छा। नहीं जब आने का रहता तो टिकट नहीं देता, हम लोग को पुना सा है, नहीं देता तो हम लोग उधर घर पे रहते फ्लैट का। अच्छा, तो वही ट्रेन कैंसिल थी तो हम जल्दी में कल ट्रेन पकड़ के आए हैं। बिहार के 15 जिलों में 19 जून तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है। प्रदर्शन को देखते हुए प्राइवेट स्कूलों ने भी आज छुट्टी रखी। वहीं कई जिलों में धारा 144 भी लागू की गई है। कई स्टेशनों में भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। भीड़ आए और वहां उन लोगों ने तोड़फोड़ करने की कोशिश किया, भरपूर कोशिश किया, रेलवे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया, लेकिन हमारे पुलिस बल के द्वारा, सारे रेल पुलिस या स्थानीय जिला पुलिस सबों ने मिल करके वहां रोका है। कुछ जगह घटनाएं जरूर हुई हैं, परंतु उसके भी कई कारण थे, क्योंकि अचानक से बहुत बड़ी भीड़ आ गई, बहुत ज़्यादा संख्या था, और वह रोकते रोकते उन लोगों ने कुछ ऐसी हरकत कर दिया। तमाम कोशिशों के बावजूद बिहार में हालात काबू में नहीं आ रहे, ऐसे में बिहार सरकार के सामने ये प्रदर्शन एक चुनौती बना हुआ है। कि कल से पुलिस तो एक्शन में बेहतर ढंग से आई है, 3 दिन से हो रही है। नई घटना विगत 2 दिनों से हो रही है, कल पुलिस बेहतर ढंग से एक्शन में आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं और हम सब भी लगातार नजर रखे हुए हैं, और स्थिति तो नियंत्रण में हुई है। आज दो तीन जगह अगर छोड़ दे तो शेष जगह काफी शांतिपूर्ण रहा है। अब सवाल खड़ा होता है कि प्रदर्शन के नाम पर और कितनी सरकारी संपत्ति का नुकसान होगा, कब थमेगी ये हिंसा की आग, कब सरकार अग्निवीरों को समझाने में कामयाब होगी। आरा से रोहित सिंह के साथ सुजीत झा, पटना आज तक। बिहार में अब हिंसा पर एक्शन में सरकार दिख रही है और बिहार लॉ एंड ऑर्डर डीजी ने ये बयान दिया है। उन्होंने ये जानकारी दी है कि न सिर्फ 15 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, अब तक 620 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 130 FIR दर्ज की गई है। 15 जिलों में कल तक इंटरनेट बंद रहेगा और एक के बाद एक अब धरपकड़ की शुरुआत हो गई है। बिहार में हिंसा पर एक्शन में अब सरकार आई है, अब तक 620 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 130 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। क्या कहा है संजय सिंह ने, सुनिए। आज बेसिकली दो ही घटनाएं घटी हैं, एक जहानाबाद में घटी और एक मसौढ़ी के पास घटी है।
उसके अलावा बाय एंड लार्ज सभी जगह छिटपुट घटनाएं वगैरह छोड़ दें तो पूरा बंद जो है शांतिपूर्ण रहा है। और अब तक तीन दिनों में करीब करीब 620 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 130 FIR हमारे यहाँ जिलों में और रेल जिलों में अब तक दर्ज की जा चुकी है। कोचिंग संचालन आज जो का जो बंद है और जो पिछले एक परसों से जो घटना घटी थी, तो पहले छात्रों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा था, उसके बाद कुछ उपद्रवी तत्व जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि उसमें जुड़ गए हैं और अपने इस तरह से गलत हरकत कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो आज छात्रों का पार्टिसिपेशन काफ़ी कम रहा है, इसको आप चूक नहीं कह सकते हैं। देखिए अब इस तरह से बंद जब स्वतः हो जाता है और काफ़ी संख्या में लोग आ जाते हैं तो पुलिस का बल की भी संख्या जो है एक सीमित है और सीमित जगह पे हम लोग उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब परसों से लेकर आज भी आपने देखा होगा कि चीज़ें काफ़ी कंट्रोल रही हैं, तो चीज़ें हम लोग ने अंडर कंट्रोल ली हैं और ये घटनाएं काफ़ी घटी हैं और आगे हम लोग उसको नियंत्रण में रखेंगे। संजय सिंह ADG लॉ एंड ऑर्डर के हैं, कह रहे हैं कि अब जाकर स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन बिहार का जो हाल हुआ है उसको पूरे देश ने देखा है। ऐसी हिंसा फैली है, सरकारी संपत्ति को इस तरह का नुकसान हुआ है कि भरपाई उसकी लंबे वक्त में करनी पड़ेगी। बहरहाल बिहार से शुरू हुई हिंसा की आग ने देश के कई राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। धीरे धीरे आग फैलती गई, हालात बेकाबू हो गए कई जगहों पर। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एक योजना जिसने उत्तर से लेकर दक्षिण तक आग लगा दी है। 13 राज्यों में प्रदर्शन जारी है, कहीं ट्रेनें जलाई जा रही हैं, कहीं बसों में आग लगाई जा रही है। आज एक बार फिर यूपी के अलग अलग जिलों में हिंसा की तस्वीरें सामने आई। जौनपुर में आज दूसरे दिन भी हंगामा हुआ, बदलापुर और लाला बाजार में प्रदर्शन उग्र हो गया, उपद्रवियों ने बस को आग के हवाले कर दिया। यूपी का मिर्जापुर भी हिंसा की आग में झुलसा, रेलवे स्टेशन के बाहर प्रदर्शनकारियों ने बस में तोड़फोड़ की। हम लोग तो नीचे बैठ गए, इन लोग बुलडोजर और पत्थर मारना और डंडे शुरू कर दिए, तब प्रशासन साथ दिया हम लोग का, प्रशासन की वजह से हम लोग का बचाव। कितने बच्चे थे? अरे कम से कम 50 से ऊपर थे। क्या हुआ? आप जा रहे थे? आए थे, बस दिखा कि सब लड़के दौड़ के आ रहे थे और इतना बड़ा पत्थर मारा है हमको, यहाँ लगा है और जब तक तो पुलिस पीछे आई है तब तक तोड़ फोड़ के दौड़ाए थे, भाग गए अपना। बंगाल में भी अलग अलग हिस्सों में अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। कोलकाता में छात्र संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जहां उनकी पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। पंजाब के लुधियाना में अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की। यहां रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई, जहां CCTV में तोड़फोड़ के बीच यात्री भागते नजर आए। बाद में पुलिस एक्शन में आई, उपद्रवियों की धरपकड़ की गई, वहीं स्टेशन पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती भी हुई। आज तक ब्यूरो। और देश भर में लोगों के मन में सवाल यही कि यह हिंसा कब रुकेगी। आज सरकार ने भी कुछ फैसले ऐसे किए हैं बच्चों को शांत करने के लिए, छात्रों को शांत करने के लिए। जो नए ऐलान हुए हैं वो आपको बता देते हैं। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भर्तियों में 10% आरक्षण मिलेगा जो अग्निवीर होंगे उन्हें। डिफेंस पब्लिक सेक्टर की 16 कंपनियों की नियुक्ति में उन्हें आरक्षण मिलेगा एक के बाद एक, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। 25% को तो डायरेक्ट नौकरी लग रही है, जो 75% बचेंगे उन्हें CRPF असम राइफल्स की भर्ती में 10% आरक्षण की बात कही जा रही है। आयु सीमा में भी 3 से 5 साल तक की राहत देने का ऐलान किया गया है। 2 साल तक कोविड की वजह से नियुक्तियां नहीं हुई थी, इन सब पर भी छात्रों का विरोध था, उन सबको एड्रेस करने की सरकार की तरफ से कोशिश है। और ये 4 ऐसे फैसले लिए गए हैं, ऐलान किए गए हैं, जिससे बेहतर स्थिति बन सके और आक्रोश को थोड़ा नियंत्रित किया जा सके। आइए आपको सुनाते हैं, शाहनवाज हुसैन मंत्री हैं बिहार सरकार में, क्या कह रहे हैं कि डिफेंस के जो 16 पब्लिक सेक्टर हैं उसके अंदर 10% आरक्षण अग्निवीरों को होगा। सब जगह उनको पूरा मौका दिया गया है और कल ही गृह मंत्री जी ने भी कहा था कि जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्स है उसमें भी अग्निवीरों को स्थान है। तो ये पूरी योजना नौजवानों को और मौका मिले इसके लिए दिया गया है। जो लोग गलतफहमी पैदा कर रहे हैं उनको अब गलतफहमी पैदा करने का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। और आज जो घोषणा हुई है
मुझे लगता है इससे नौजवानों में बहुत खुशी है। तो जो तमाम बदलाव किए गए हैं जिससे उम्मीद है सरकार को कि छात्र मान जाएंगे, उन सबका जिक्र शाहनवाज हुसैन साहब कर रहे थे। लेकिन वही अग्निपक्ष को लेकर विपक्ष के अलावा सरकार के अंदर से भी विरोध तेज हो गया है। बीजेपी नेता वरुण गांधी ने अग्निपथ स्कीम को वापस देने की मांग की है। तुगलकी फरमान नहीं चल सकता, लाखों लोगों को लेंगे, उनके बाद चार साल बाद हम उनको छोड़ देंगे एक छुट्टे सांड की तरह गांव में, और हम उनको बोलेंगे कि चार साल तक तो आपका बहुत मान सम्मान था, चार साल तक तो हमने आपको सलामी ठोकी, हमने आपको फौजी साहब कहा, और अब आपको प्राथमिक विद्यालय के बर्तन मांजने पड़ेंगे। तो क्या इसका सेना के ऊपर, सेना के मनोबल के ऊपर, सेना के शौर्य के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अग्निपथ पर देश भर में प्रदर्शन जारी है, लेकिन ये प्रदर्शन आक्रोश है या फिर प्रयोग? क्योंकि विरोध के नाम पर हो रही हिंसा पर सियासत तेज हो गई है। बिहार में उग्र प्रदर्शन पर सियासी पार्टियां आमने सामने हैं, तो वहीं बीजेपी ने इसके पीछे टूलकिट साजिश का शक जता दिया है। आखिर कौन लगा रहा है ये आग? आखिर कौन छात्रों के हाथ में थमा रहा है पत्थर? एक योजना जिसने देश भर में कोहराम मचा दिया, जिन्हें अग्निवीर बनना था वो आग लगा रहे हैं, जिनको सेना के अग्निपथ का हिस्सा बनना था वो ट्रेनें जला रहे हैं, जिन हाथों में देश की सुरक्षा है वो देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या ये हिंसा किसी साजिश का हिस्सा है? क्या ये हिंसा भी टूलकिट का हिस्सा? इस आग में सियासी तड़का लग रहा है। सरकार युवाओं के साथ विपक्ष के भी निशाने पर है, लेकिन इस हिंसा पर अब टूलकिट की एंट्री हो चुकी है। इसकी जिम्मेवारी उन विपक्षी दलों की है जो चुपचाप से टूलकिट के तरीके से इन लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। क्या चीज है स्कीम के अंदर? आप चार साल नौकरी करेंगे, हम उसमें उसके बाद 25% जो हमारे मापदंड है जो हमने सिलेक्शन किया है उनको रखेंगे। पहले सीए में टूलकिट की एंट्री, फिर किसान आंदोलन में टूलकिट पर घमासान, और अब अग्निपथ में टूलकिट की साजिश का शक। जिसने इस हंगामे को एक नया ट्विस्ट दे दिया है। सबसे ज्यादा बिहार सुलग रहा है। विरोधी दल अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़कों पर है। आज आरजेडी समेत कई राजनीतिक दलों ने बिहार बंद का ऐलान किया। पप्पू यादव भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतर आए, और बिहार में चौथे दिन भी हिंसक प्रदर्शन जारी। छह महीना ट्रेनिंग मोदी जी किसके लिए, राजनाथ जी किसके लिए? आपके जितने यार मित्र हैं, अदानी, अंबानी, आर के सिन्हा या जितने सिक्योरिटी वाले से आपके रिश्ते हैं, यहाँ से निकलने वाले ट्रेंड करके आप उसको देना चाह रहे हैं? देखिए, ये युवाओं के नाम पर जो शरारती तत्व हैं, जो बिहार को और देश को अस्थिर करना चाहते हैं, ऐसे तत्व इस तरह के आंदोलन में उनका प्रवेश हुआ है और उसके कारण ये सारी परिस्थितियां बनी है। देखिये, शरारती तत्व है और उसके पीछे जो एक राजनीतिक जो ताकत है वो ऐसे लोगों की ताकत है जिसने बिहार को दोहन करने का काम किया है। सियासत ऐसी कि बिहार में गठबंधन के सुर ही बदले नजर आ रहे हैं। एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी ने बिहार बंद का समर्थन किया है, वहीं जेडीयू भी सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग कर रही। केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लागू करने की घोषणा के साथ बिहार सहित देश के अन्य राज्यों के छात्रों और नौजवानों में असंतोष का भाव उभरा है। जगह जगह हिंसक घटनाएं हो रही हैं। केंद्र सरकार को अविलंब इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसके साथ साथ इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। कांग्रेस ने भी अग्निपथ को लेकर सरकार की घेराबंदी तेज की। देश के कई हिस्सों में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे।
राहुल गांधी ने भी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। 8 साल से लगातार भाजपा सरकार ने जय जवान जय किसान के मूल्यों का अपमान किया है। मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी को काले कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे, ठीक उसी तरह उन्हें माफी वीर बनकर देश के युवाओं की बात माननी पड़ेगी और अग्निपथ को वापस ही लेना पड़ेगा। देश की सुरक्षा का मामला है, ये सर्वोच्च सम्मान और बलिदान का मामला है, इसको वोट पॉलिटिक्स में नहीं कन्वर्ट करना चाहिए। और ये जो कोशिश होती है सरकार की बार बार, उसको लेकर के हम लोग अपनी विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। ये अलग बात है कि हर चीज के लिए विपक्ष को जिम्मेवार ठहरा देते हैं, लाते हैं कोई चीज तब भी मास्टर स्ट्रोक होता है और वापस कर लेते हैं तब भी मास्टर स्ट्रोक होता है। यूपी में भी विरोध प्रदर्शन उग्र हो चुका है। पूरब से लेकर पश्चिम तक हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही, जिसमें अब आरएलडी भी कूद गई। आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी ने ऐलान किया है कि वो अग्निपथ के खिलाफ हर जिले में विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं बीजेपी हिंसक प्रदर्शन को विपक्ष की साजिश बता रही। हमारी प्रार्थना है कि सरकार जागे, देश के रक्षा के सवालों पे कोई समझौता नहीं कर सकता, और आज सेना की तैयारी करने में जुटे जो नौजवान हैं वो बहुत आहत हैं, दुखी हैं। मैक्सिमम 25% को देने की बात है, वो भी मिनिमम नहीं दे रहे, मैक्सिमम। तो कौन से 25% में कौन बच्चे आ पाएंगे? योजना ही पूरी तरह बेकार है, उसे नकार दिया है जनता ने। अब उसमें क्या सुधार कर लोगे कि जनता उसे स्वीकार कर लेगी, ये बड़ा प्रश्न है। प्रदेश के सभी नौजवानों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, देश हित में, भारत माता के हित में, प्रदेश हित में बहकावे में ना आए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपके हित के लिए, भारत के हित के लिए, उत्तर प्रदेश के हित के लिए सेना के दरवाजे आपके लिए खोले हैं। आपके सम्मान से कोई समझौता नहीं है, पूरी सरकार आपके साथ है, जबकि विपक्षी दल उत्तर प्रदेश को, देश को डिस्टर्ब करना चाहते हैं और उनको आपके भविष्य से कोई मतलब नहीं है, केवल गुमराह करना चाहते हैं। विपक्ष ने अब अग्निपथ के खिलाफ पूरा जोर लगा दिया है, सरकार पर चौतरफा हमला हो रहा है। शिवसेना से लेकर आम आदमी पार्टी तक सब मैदान में उतरने की तैयारी में। हमारे सामने उदाहरण है, 1 साल तक किसानों का आंदोलन इस देश के अंदर चला और सरकार को मजबूर होना पड़ा काला कानून वापस लेने के लिए। ऐसे ही लोकतांत्रिक ढंग से संविधान के दायरे में रह के नौजवानों को आंदोलन करना चाहिए, निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी और ये काला कानून वापस होगा। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने भी नौजवानों का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री से अपील की है कि आप ये काले कानून वापस लीजिए। जो डिसिप्लिन फोर्स है, जो देश की रक्षा करने के लिए हमने रखा है, उसको कोई ठेकेदारी पे नहीं रखता है। लेकिन हमारे देश में क्या चल रहा है और क्या होने जा रहा है, किसी को पता नहीं। भारतीय सेना के, भारतीय सभी तीनों सेना दलों का ये, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है जो चल रहा है। पूरे देश में आग लगी है और ये आग बढ़ती जाएगी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है और उसमें अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की है। उधर संघ से लेकर सरकार तक अग्निपथ के बचाव में है। जहां वो इस योजना की खूबियां बता रहे हैं, वहीं विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। विपक्ष ने जो संपत्ति जलवाने का काम किया है और संपत्ति नष्ट करवाने का काम युवकों से करवाया है, यह निंदनीय है। वो धरने देते, प्रदर्शन देते, जाकर कहीं पर अपना मेमोरेंडम देते कि इट इज आवर डिमांड लैंड, परंतु अरबों की संपत्ति स्वाहा करवा लेना उनसे। मैं विपक्ष को ये कहूँगा कि वह इस प्रकार से देश की सार्वजनिक संपत्ति को अगर बर्बाद करवाएंगे तो इसका अर्थ है देयर पार्टी एंड द लीडर्स दे आर नॉट पॉजिटिवली एंड डेमोक्रेट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। चौतरफा विरोध के बीच सरकार भी बैकफुट पर नजर आ रही। आज राजनाथ सिंह ने अपने घर पर अहम बैठक बुलाई, जिसमें तीनों सेना के चीफ शामिल हुए और मौजूदा हालात और स्किल को लेकर मंथन हुआ। लेकिन सवाल वही कि आखिर यह हिंसक प्रदर्शन कब तक होगा, क्योंकि अब इस आग में टूलकिट की एंट्री हो चुकी है। लेकिन सवाल, अगर यह टूलकिट है तो क्या सरकार इस पर एक्शन लेगी? आज तक ब्यूरो। अग्निपथ को लेकर बिहार सरकार में ही अब दो फाड़ होते दिख रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू के सुर बदले नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन के नाम पर बिहार में बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। सियासी घमासान बढ़ा
तो आज बीजेपी नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन बीजेपी नेताओं पर हुए हमले ने जेडीयू और बीजेपी के बीच एक दरार जरूर बढ़ा दी है। आज बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अपने ही समर्थन वाली सरकार पर सवाल खड़े कर दिए, तो वहीं जेडीयू अब संजय जायसवाल पर ही हमलावर हो गई है। तो कुछ भी बिहार में घट रहा है वह जाहिर बात है कि यह छात्रों के द्वारा नहीं हो रहा, इसके पीछे एक पूरी मशीनरी लग करके जिस ढंग से घरों को जलाया गया है, जिस ढंग से रेलवे को जलाया गया है, बिल्कुल टारगेट करके जिसके मन में देश सेवा का जज्बा रहेगा वह अपनी बात दानापुर रेजिमेंट में रखेगा, न कि घूम घूम करके ट्रेन जलाने का काम करेगा। यह एक बड़ी साजिश है। तीन दिन से जो प्रशासन की भी भूमिका रही है वह अभी बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। प्रशासन का काम होता है कहीं पे भी, एक कल तक हम लोगों ने गलती से भी नहीं सुना कि कहीं पे किसी को लाठीचार्ज किया गया हो। श्री संजय जायसवाल जी से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। और अगर यही बात है तो भारतीय जनता पार्टी शासित जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, कई अन्य राज्यों में हिंसक घटनाएं हो रही है, वहां क्यों नहीं लोग गोली चढ़वा दे रहे हैं, मरवा दें हजारों लोगों को, वहां की सरकारों को? संजय जायसवाल जी को कहना चाहिए कि वहां की सरकारों को चाहिए कि सबको गोली से उड़ा दो। तो इस तरह की प्रतिक्रिया जो है वो दर्शाता है कि वो संतुलित नहीं। सेना में भर्ती की अग्निपथ स्कीम पर सड़क पर संग्राम है। आपने देखा कैसा सियासी घमासान है, पर सेना के तीनों अंग इसे सेना और युवाओं के लिए बेहतर योजना बता रहे हैं। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में एयर चीफ ने ना सिर्फ अग्निवीर की खासियत बताई बल्कि सीधे सीधे ये भी कहा कि जिन किसी का पुलिस रिकॉर्ड में नाम होगा उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी। अग्निपथ स्कीम के क्या फायदे हैं, अगर आप इस पे विस्तार में हमें थोड़ी सी जानकारी दें। पहले तो वायुसेना और सशस्त्र सेना बलों के लिए ये फायदेमंद होगा कि एज प्रोफाइल जो है सैनिकों की ये घटेगी। आज एवरेज एज प्रोफाइल सर्विसेज में 30 साल की उम्र है, ये घट के धीरे धीरे 25 से 26 साल तक आएगी। ये सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा फायदा है जो अग्निवीर भर्ती होकर आएंगे उन लोगों को एक तो देश की सेवा करने का अवसर मिलेगा, वर्दी पहनने का अवसर मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, और इस एक्सपीरियंस को लेते हुए जब बाहर एनवायरमेंट में वापस जाएंगे दे विल बी बेटर डिसिप्लिन, बेटर मोटिवेटेड एंड विथ ऑल दी इथॉस, जो सर्विस के इथॉस हैं उनमें पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये सारे उनमें इम्बाइब हो जाएंगे। सर, जिस तरह का विरोध हो रहा है किसी ने शायद सोचा नहीं था कि एक मिलिट्री रिफॉर्म सिविल अनरेस्ट एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बन सकता है। क्या रक्षा मंत्रालय ने या आर्म फोर्सेज में या खास करके एयरफोर्स में, आप एयरफोर्स के लिए बात कर सकते हैं, इसकी कोई भी तैयारी की गई थी कि अगर इस तरह का बैकलैश होगा तो क्या इसको कैसे डील करेंगे? नहीं, पहले तो हम इसकी निंदा करते हैं, इस तरह की हिंसा हमारे देश में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। अगर किसी युवा को किसी भी चीज़ के बारे में अगर पूरी जानकारी ना हो तो बहुत सारे तरीके हैं वो जानकारी प्राप्त करने के लिए। हिंसा के माध्यम से ये कोई हल नहीं हो सकता ये। और खास करके जो ये नौजवान हैं सर, अगर सेना में आना चाहते हैं तो डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा पहलू होता है। अगर जो लोग ये पकड़े गए इस तरह के उपद्रव करते हुए तो शायद दरवाजे बंद होंगे इनके सेना में आने के लिए, तो अगर आप एक मैसेज देना चाहें हमारे माध्यम से ऐसे यूथ को तो आप बताएं। सर, जो भी सेना में भर्ती होना चाहता है जब पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जामिनेशन, मेडिकल सब खत्म हो जाता है, उसमें अंतिम स्टेप होता है पुलिस वेरिफिकेशन। तो अगर कोई युवा इस तरह की हिंसा में भाग लेता है तो शायद ही उसको पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो मतलब कि एक तरह से रास्ते बंद हैं अगर उस पुलिस वेरिफिकेशन में नेगेटिव रिपोर्ट आ जाए। नेगेटिव, बिल्कुल। सर, एक जो बड़ा सवाल और है कि किस तरह से रिफॉर्म आएगा। चार साल जो लोग काम करेंगे फिर उनको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जो लोग रह जाएंगे, ये कहा जा रहा है कि एक बहुत ही रोबस्ट सिस्टम इन प्लेस होगा, तो किस तरह का रिफॉर्म देख रहे हैं सर? पहले तो हमारी ट्रेनिंग स्कीम में पूरी तरह से बदलाव लाया जाएगा। ट्रेनिंग अब
इस समय हमारी होती है जो टेक्निकल ट्रेड्समैन है उनके लिए 2 से 2.5 साल तक ट्रेनिंग होती है और ये लगातार होती है। जब से ज्वाइन करते हैं 2.5 साल की इनकी ट्रेनिंग चलती रहती है। अब इस स्कीम के दौरान क्या होगा कि पहले 4 या 5 महीने की उनकी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगी और बेसिक तकनीकी ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद ये फील्ड यूनिट्स में सर्विस देंगे। इसी के साथ शंखनाद में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।